दोस्तों ये है बिहार का जहानाबाद जिला, जो बिहार के 38 जिलों में से एक महत्वपूर्ण जिला है। इस जिले की सीमाएं नालंदा, पटना, अरवाल और गया से लगती हैं। ये देश के दक्षिण पश्चिम का एक लैंडलॉक जिला है। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो मगध डिवीजन के अंदर आता है। इसे अंग्रेजों के समय साल 1872 में गया के एक सब डिवीजन का स्वरूप दिया गया था, जिसे 1986 में गया से अलग होने के बाद नए जिले के रूप में पहचान मिली। पूर्व के इतिहास में इस जिले को नक्सली और लैंडलॉर्ड्स के बीच हुई लड़ाई के लिए जाना जाता है। ये जिला रेड कॉरिडोर का हिस्सा है। आज के समय ये जिला 11,25,000 लोगों का घर है। इतनी जनसंख्या साइप्रस देश की जनसंख्या के बराबर है, जहां पर एक वर्ग किलोमीटर में 1200 लोग रहते हैं, यानी कि यहां का जनसंख्या घनत्व 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के मामले में ये जिला देश के 640 जिलों में 412वें नंबर पर आता है, जहाँ की 78% पॉपुलेशन को प्राथमिक शिक्षा मिली हुई है। कुल जनसंख्या में 92% आबादी में हिंदू और लगभग 7% में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। इस जिले में 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं पाई जाती हैं। इस जिले की 19% जनसंख्या शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखती है। दोस्तों इस जिले में 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिनमें जहानाबाद, घोसी और मखदूमपुर आते हैं। यहाँ की 66% आबादी अपनी मातृभाषा मगधी का इस्तेमाल करती है। वही 29% हिंदी के साथ साथ 6% लोग उर्दू जबान बोलते हैं। दोस्तों इस जिले में ज्यादातर आबादी खेती से जुड़े काम करती है, क्योंकि यहाँ की लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली है। इसके अलावा इस जिले की इकोनॉमी में दूसरे छोटे मोटे कारोबार भी हिस्सा रखते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, दाल यहाँ पर भरपूर मात्रा में उगाए जाते हैं। इस क्षेत्र के लोग हाथ से बनी साड़ी और लुंगी बनाकर बेचते हैं। गेहूं के आटे, बेसन से बनने वाले स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन इसी क्षेत्र में बनाए जाते हैं। घी, पनीर, दही, लस्सी जैसी चीजें भी जहानाबाद से आसपास के जिलों में सप्लाई की जाती है, क्योंकि ये जिला डेयरी के क्षेत्र में भी अपने कारोबार को बढ़ता देख रहा है। क्षेत्र के निर्माण के लिए ईंट बनाने की फैक्ट्रियां या भट्टे यहाँ के मजदूर वर्ग के लिए रोजगार का साधन है। यहाँ पर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज भी मौजूद हैं, जो प्लास्टिक के कुछ प्रोडक्ट, छोटे मोटे इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे कूलर, पंखे जैसी चीजें भी असेंबल करते हैं। बात करें इस शहर की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये जिला राज्य के मुख्य शहरों से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और लोकल लिंक रोड से जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे नंबर 20 इसी शहर से होकर गुजरता है, जो गया, पटना और रांची को जोड़ता है। पटना, गया, दिल्ली के रास्ते पर ही कई ट्रेन भी चलाई जाती हैं। जहानाबाद में एक रेलवे स्टेशन भी मौजूद है, जहां पर कई सारी एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती हैं। रेलवे की ये कनेक्टिविटी यहां के छोटे मोटे व्यापारियों को अपना सामान ट्रांसपोर्ट करने में सुविधा देती है। इसके आसपास का सबसे करीबी एयरपोर्ट पटना में मौजूद है, जिसे जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। ये जहानाबाद से मात्र 62 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस शहर में लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बिहार की सरकारी बसों के अलावा कुछ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की बसें भी चलती हैं, और यही बसें नेबरिंग जिलों और स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। रिक्शा, टैक्सी जैसे छोटे साधन इस जिले की डेली लाइफ का हिस्सा हैं। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो अपने शहर या राज्य के बारे में चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर YRS।